पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ हैं। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया, घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं है। अब इसमें हम क्या कैसे, अब हम इसमें क्या बताएं? ये तो जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अब कहा है कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। पहले तो प्रवक्ता कहते थे, तो वो मानते हैं कि अभी सर्कस मॉडल है। अरे सर्कस मॉडल है, पूछिए तो क्या उनको भरोसा नहीं रहा सीएम पे, नीतीश कुमार पे? अब हम नहीं जानते, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है कि सर्कस मॉडल चल रहा है। और लाएगा कौन? क्या है मॉडल? क्या है मॉडल? क्या है हमको तो पता ही नहीं है। देश उनका मॉडल है, बुलडोजर ही उनका यूपी मॉडल है। क्या होता है वो, किस लिए? हमको वो कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आया भाई। बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पे चलाते क्यों नहीं है यूपी में? योगी जी ने कहाँ बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाई, कहाँ क्राइम पे बुलडोजर चलाया, कहाँ भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाया? कोरोना काल में देखेंगे क्या स्थिति थी यूपी के, पर सब से सब आ रहे थे, किस पे बुलडोजर चला? किसी पे नहीं, सब कहने के लिए। अब आप लोग देख ही रहे तो हम क्या देखें। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।